स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बींग बेटर में। आज मैं वन ऑफ द फेमस जनरल नॉलेज की बुक लूसेंट जनरल नॉलेज का रिव्यू करने वाला हूँ। ये बुक आपको किसी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ये वन ऑफ द फेमस बुक्स हैं UPSC और NE सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आप देख सकते हैं ये जनरल नॉलेज की लूसेंट्स की बुक है। ये आपको किसी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसकी MRP 198 रुपीज़ है और इसमें देखा जाए तो टोटल 10 सेक्शंस हैं जिसमें अलग अलग जनरल नॉलेज के टॉपिक को कवर किया गया है। पहला सेक्शन है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में इसमें मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री तीनों को कवर किया गया है। और साथ में आप यहाँ पर मिसलिनियस टॉपिक भी देख सकते हैं जहाँ इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। सेकंड सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड की एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों तरह की हिस्ट्री कवर की गई है। तीसरा सेक्शन है ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं इसमें मेजरली इंडियन ज्योग्राफी कवर की गई है और साथ साथ कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स दिए गए हैं। चौथा है इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं लाइक पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज़, इंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, प्लानिंग कमीशंस, ETC। इसमें आपको हर तरह के पॉलिटिक्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं जैसे कि हाइलाइट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें इकोनॉमिक्स भी कवर की गई है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें सोशल साइंस के साथ साथ कुछ साइंस के टॉपिक्स भी हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी भी कवर की गई है। इसमें साथ साथ एक मिसलिनियस सेक्शन भी दिया गया है जिसमें सारे मिसलिनियस चीज़ों को कवर किया गया है जैसे कि फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, फर्स्ट इन वर्ल्ड वाइड, ETC। आप इसमें देख सकते हैं इसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो इसमें वो फुल कंटेंट है जो किसी को ज़रूरत होती है अपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम या फिर UPSC की तैयारी के लिए। आप इसमें देख सकते हैं इसमें छोटा सेक्शन कंप्यूटर साइंस का भी है। इसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी जानकारियाँ दी गई है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको, हर एक सेक्शन दिखाता चलता हूँ मैं आपको। यह है इंडियन हिस्ट्री सेक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अधिकतर जो जानकारी है वो पॉइंट वाइज दी गई है। तो आप देख सकते हैं इनमें सिर्फ डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिए गए, इनमें बस पॉइंट वाइज दिए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हर एक टॉपिक को कैसे कवर किया गया पॉइंट वाइज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स का यहाँ पर चार्ट भी दिया हुआ है अलग अलग चीज़ों का। तो अगर आप किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या फिर आप कोई ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें GK बहुत ही ज़रूरी हो, इम्पॉर्टेंट हो, तो आप ये बुक ले सकते हैं। इस बुक में देख सकते हैं अधिकतर जानकारियाँ पॉइंट वाइज ही दी गई हैं और टेबल के फॉर्म में दी गई है। ये था हिस्ट्री सेक्शन। अब हम चलते हैं ज्योग्राफी सेक्शन की। तो ये है ज्योग्राफी सेक्शन। इस ज्योग्राफी सेक्शन में आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट्स को भी टॉपिक वाइज कवर किया गया है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। इसमें आप पूरा ज्योग्राफी सेक्शन देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इंडियन कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी, मैंने आपसे कहा था ना इसमें अधिकतर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया गया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दी गई है पर वो बहुत कम है। इसमें सोलर सिस्टम को भी कवर किया गया है, मेम्बर्स ऑफ सोलर सिस्टम, ETC, चंद्रयान 2 मिशन। इसमें ऑबिलेटर्स जो चंद्रयान 2 मिशन हुआ उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर जो कि हमारा पॉलिटिक्स सेक्शन। ये सेक्शन है इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉलिटिक्स में जितने भी लॉज आज तक बने हैं, अमेंडमेंट हुए, उन सबों के बारे में दिया हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं। द टर्म पॉलिटिक्स साइंस, इसमें पूरा पॉलिटिकल साइंस की पूरी डेफिनेशंस, फिर इनके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स की भी हिस्ट्री होती है। आपने, मैंने तो पहली बार सुना है शायद। आप ये देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया और अलग अलग चीज़ें इसमें कवर की गई है। सारी चीज़ें पॉइंट वाइज कवर की गई हैं इसलिए इसमें कोई कहानी जैसा हिस्ट्री रटने का चीज़ नहीं है। इसमें बस पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स रिमेंबर दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ उतना थ्योरीज इसमें भर भर के नहीं लिखी गई हैं। पॉइंट वाइज इन पॉइंट्स को याद करना बहुत आसान होता है इसलिए ये बुक्स आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स में आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक चीज़ों को डिफाइन किया गया है जैसे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं आप। हर एक आर्टिकल को डिफाइन किया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आप हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे टेबल वाइज भी दिया गया है, हर एक आर्टिकल के बारे में टेबल वाइज व्यू भी यहाँ पे दिया गया है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन जो कि है हमारा इकोनॉमिक सेक्शन। ये सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी, इसमें अलग अलग चीज़ों को उसी तरह कवर किया गया जैसे आपने बाकी सेक्शन में देखा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का। इसमें हर चीज़ों को पॉइंट वाइज दिया गया है, इसमें हर एक डेटा को सटीक दिया गया है कि अपडेटेड डेटा है हर एक चीज़ का। तो अगर आप खरीदते हैं तो हमेशा अपडेटेड खरीदने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये अपडेट होने की संभावना होती है। इसमें हर एक चीज़ों का डाटा दिया गया है, जैसे कि पिछले सालों में क्या इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट हुआ, इन सब के बारे में। इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में भी दिया गया, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स में सारे ये सब टॉपिक्स कवर किए गए। अब हम देखते हैं अपना अगला सेक्शन जो कि है, अब हम साइंस देखते हैं, साइंस में क्या क्या है। इसमें यह है फिजिक्स सेक्शन, इसमें आप देख सकते हैं इसमें फिजिक्स की हर एक टॉपिक को शॉर्ट में कवर किया गया है, जैसे आप यूनिट्स एंड डायमेंशन टॉपिक देख सकते हैं। इसमें फिजिक्स और साइंस को बहुत ही शॉर्टली कवर किया गया है, इसमें सिर्फ फैक्ट्स बताए गए हैं और फार्मूलाज दिख बताए गए हैं, इसमें कोई थ्योरी उतनी नहीं दी गई। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें साइंस का टॉपिक कम हो या फिर साइंस के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत ना हो तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आप इसमें साइंस के हर एक टॉपिक को देख सकते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में शॉर्टली में थ्योरीज एंड फिर फार्मूलेज दिए गए हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, स्टेट इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। साथ वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी वाले पावर के टॉपिक को कितने शॉर्टली कवर किया गया ये आप खुद देख सकते हैं। इसमें बस फैक्ट्स एंड फार्मूलाज हैं और कुछ नहीं। यह है केमिस्ट्री सेक्शन, आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी पॉइंट्स को उसी तरह कवर किया गया जैसे बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में कवर किया गया था। इसमें सारी चीज़ों के शॉर्टली डेफिनेशंस दिए गए हैं और फिर फार्मूलाज एंड उनके रिप्रेजेंटेशंस, टेबल्स दिए गए हैं, डेटा दिया गया है हर एक एलिमेंट के बारे में, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब चीज़ें जो हम लोग को पढ़नी है, मतलब 11th 12th में बहुत डिटेल में पढ़नी है, वो सारी चीज़ें बहुत शॉर्टली दी गई हैं ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई हैं, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री का टॉपिक उतना आता तो है नहीं। देख सकते हैं नेचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये है बायोलॉजी सेक्शन, इसमें भी पॉइंट्स उसी तरह से हैं, इसमें हर एक टर्म को डिफाइन किया गया है अलग अलग करके, देख सकते हैं आप। इसमें बायोलॉजी के भी कुछ कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं, मेन टॉपिक्स कवर किए गए, सारी बायोलॉजी थ्योरी नहीं दी गई, बस फैक्ट्स कवर किया गया है और हर एक टर्म को डिफाइन किया गया है बस इसमें। तो अगर आप बायोलॉजी की कम मतलब ज़रूरत हो अगर किसी एग्ज़ाम में तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये इस बुक का लास्ट टॉपिक है मिसलिनरी, इसमें हर एक चीज़ों के डेटा दिए गए जैसे फर्स्ट इन इंडिया मेल्स, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल्स एंड अलग अलग चीज़ों के बारे में डेटा दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट इन, हाँ ये आप जो बता ही चुका हूँ मैं, फर्स्ट इन इंडिया, आप देख सकते हो सुपरलेटिव इंडिया, द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, ये सारी चीज़ें जो है इसमें डेटा दिया गया है इंडिया के अजूबों या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग बड़ी या फिर लंबी अनोखी चीज़ों का डेटा दिया गया, द डीपेस्ट रिवर इन वैली, ये सारी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के लिए कोई बुक चाहिए तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बहुत अच्छा बुक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कीप नोइंग, कीप ग्रोइंग।